आज हम आपको बताने जा रहे हैं फर्स्ट द्वारका ओपन क्रिकेट कप टूर्नामेंट 2020 के मैच के बारे में, जो कि खेला गया था मौलाना आजाद क्रिकेट एकेडमी और स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब के बीच में, और यह मैच हुआ था छावला क्रिकेट ग्राउंड में। इसमें पहले टॉस जीतकर मौलाना आजाद क्रिकेट एकेडमी ने बैटिंग की। मैच में पहले बैटिंग करते हुए स्पोर्टिंग क्लब ने 36.5 ओवर में 136 रन बनाए और टीम ऑल आउट हो गई, जिसमें तरुण कौशिक ने 29 रन की नाबाद पारी खेली, चिराग त्यागी ने 27 रन बनाए, और वहीं पर मौलाना आजाद की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अप्रम्या जायसवाल ने 25 रन देकर 3 विकेट ली, शुभम खुराना को 32 रन देकर 3 विकेट मिली। इस टारगेट को मौलाना आजाद क्रिकेट एकेडमी ने 30.4 ओवर में चेस कर लिया। उन्होंने 137 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, जिसमें गोविंद मित्तल ने 34 रन की नबात पारी खेली, आर्यन ने 31 रन बनाए, और स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से गेंदबाजी करते हुए दीपक कुमार को 4 विकेटें मिली 19 रन देकर, तरुण कौशिक को 2 विकेट मिली 21 रन देकर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे शुभम खुराना, और इस मैच को मौलाना आजाद क्रिकेट एकेडमी ने 3 विकेट से जीता। इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब के चैनल को।